मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दे दिया होगा। प्लान के मुताबिक हमने सारा काम कर दिया है। वीर, जो इस काम में सबसे बड़ी रुकावट है उसे भी रास्ते से हटाने का इंतजाम हमने कर दिया है। इंशाअल्लाह इस बार हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। खुदा हाफिज। रूबिका नहीं, मेहरुनिशा फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान? तुम पाकिस्तानी हो? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कहां धोखा दिया, ये तो हमारी फितरत है। तोरा से दूर ना रह पाए वीर, हमारा जीवन में तोहरा अलावा क्यों नहीं खे। धोखा मत दियो, ना तो अपन जान दे दे। तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया है,
लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया। कह दो कि ये सब झूठ है, तुम मुझे बहुत चाहती हो। तुम उससे बहुत प्यार करती हो। तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। याद रखना, अगर मेरे बिना तुम जीना भी चाहोगे ना, तो मेरी मोहब्बत तुम्हें छीनी नहीं देगी। हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम लोग बहुत इमोशनल होते हो, किसी के भी बात पे भरोसा कर लेते हो। मैंने जो स्टोरी तुम्हें बताई वो झूठी थी। तुम उसी दिन मेरी नजरों में चढ़ गए थे जिस दिन तुमने हमारे 13 पाकिस्तानी भाइयों को अपने ऑपरेशन में मारा था। उस नामाकुल मेजर वीर ने हमारे 13 पाकिस्तानी भाइयों को मारा है, अल्लाह कसम। अब उसी के सपोर्ट से बम ब्लास्ट करके 13,000 हिंदुस्तानियों को मारेंगे। हिंदुस्तानी खुफिया बहुत एक्टिव है, विस्फोटक ले जाना नामुमकिन है। RDX भी जाएगा और ब्लास्ट भी होगा। मैंने सब प्लान कर लिया है और मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के निकाह तक ला दिया। और यही बात जब मैं अपने बॉस को सुना रही थी तो हमारे मकान मालिक और मालकिन ने सुन ली। बेचारे खामोखा मेरे हाथों मारे गए। आतंकवादी हमारे देश में ब्लास्ट करना चाहती हो? वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अभी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं हम। और हाँ, एक बात और, मैंने ब्लास्ट में अपने माँ बाप के मरने का ड्रामा किया था, ये सब तो मेरे प्लान में शामिल था। लेकिन बालिका गृह पहुंचना ये एक इत्तफाक था, लेकिन मेरे इरादे इतने मजबूत थे कि खुदा ने भी मेरी मदद की और मुझे तुमसे मिला दिया। और गिलानी के पास जाना भी मेरे ही प्लान का हिस्सा था। और लखनऊ स्टेशन पे मेरे पैर में कोई मोच नहीं आई थी, वो भी मैंने एक नाटक ही किया था। क्योंकि जो बैग तुमने उठाया था उसमें RDX था, क्योंकि मैं जानती थी कि उस RDX को तुम्हारी मदद के बिना इस शहर में लाना नामुमकिन था। वहां मौजूद पुलिस वालों ने तुम्हें देखते ही हमें बगैर चेकिंग किए ही स्टेशन से जाने दिया और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई। कल ठीक 12 बजे तुम्हारा हिंदुस्तान दहल जाएगा। आरती की जगह लोगों की चीखें सुनाई देगी। अपने बच्चों को गले लगाने की बजाय माँ बाप उनकी लाशें उठा रहे होंगे। खाने की हर प्लेट में मांस के लोथड़े होंगे। चहल पहल की जगह सन्नाटा पसरा होगा। Ah!